हेलो दोस्तों, एक और न्यू नोटिफिकेशन आपके लिए आ गया है पीएचडी प्रोग्राम 2023 को लेकर। तो अगर आप देख सकते हैं, ये आपकी जो वैकेंसी है या फिर आप कह सकते हैं पीएचडी एडमिशन कहाँ से निकल रखा है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी विद्या विहार रायबरेली लखनऊ। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एनएसीसी से क्रेडिट हो रखी है, इसके लिए आपके पीएचडी की पोस्ट अवेलेबल है। एससी एसटी और ओबीसी के लिए ₹200 है, ओबीसी अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ₹400 है। लास्ट डेट आप देख सकते हैं 3 जनवरी है और रजिस्ट्रेशन विल बी अलाउ अप टू द 10th of January, यानी कि 10 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन अलाउ है ₹1000 एक्स्ट्रा देकर, यानी कि लेट फीस आपको फिर नहीं भरनी पड़ेगी, आपको ₹1000 लेट फी भरनी पड़ेगी अगर आप 3 तारीख के बाद और 10 तारीख से पहले, यानी कि इन बिटवीन 3rd of January टू 10th of January के बीच में अगर आप एडमिशन या फिर इस फॉर्म को फिल करते हैं तो आपको ₹1000 देने पड़ेंगे। राइट, ये आपकी मेन इसमें प्रोसीजर थी। वेबसाइट पे चलते हैं और वेबसाइट पे दिखा देते हैं, ये इनकी वेबसाइट है। यहाँ पर आप जाकर देखिए, प्रोग्राम में जाएंगे, प्रोग्राम से पीएचडी पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, सारे आपको यहाँ पर दिख जाएंगे पीएचडी के, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, फूड न्यूट्रिशन, सारी सीट यहाँ पर निकाल रखी है। अगर सपोज करिए जैसे मैं सोशोलॉजी की बात कर लेता हूँ, तो हमने यहाँ पर सोशोलॉजी पर क्लिक करा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीएचडी सोशोलॉजी ड्यूरेशन एज पर द पीएचडी रेगुलेशन, रेगुलेशन के हिसाब से क्या रहता है, मिनिमम 3 ईयर, मैक्सिमम 5 ईयर। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या रहता है कि आपके 55% होने चाहिए मास्टर्स के अंदर, उसके बाद आपका आरएटी, दैट इज रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। राइट, इसको अलग अलग लैंग्वेज में कुछ लोग आरआईएमटी भी कहते हैं या कुछ और कहते हैं। बेसिकली कोर पार्ट का होता है, एक आपका टेस्ट होना होता है जो कि 50% आपका क्या रहता है, रिसर्च से रहता है, 50% आपको पता चलता है कि आपको सब्जेक्ट की कितनी नॉलेज है। ठीक है, ट्यूशन फीस की हम पर सेमेस्टर की बात करें तो ₹4000 है। राइट, ₹2000 किसके लिए, एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप के लिए। वहीं पर ही अगर मैं एमए सोशियोलॉजी की बात करता हूँ, 2 साल का कोर्स है, 64 इनटेक है, 45% मार्क्स चाहिए, लेकिन किसके लिए, सोशियोलॉजी के लिए, पीएचडी के लिए नहीं। राइट, तो इस तरीके से आप किसी भी इंफॉर्मेशन की देख सकते हैं, यहाँ पर जाकर किसी भी तरह की लिस्ट ऑफ पीएचडी स्कॉलर देख सकते हैं, फैकल्टी देख सकते हैं, सारी चीज आपको यहाँ पर अवेलेबल है। तो जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं यहाँ पर जाके आप अकॉर्डिंग टू देयर कोर्स वो यहाँ पर देख सकते हैं। एक और न्यू इन्फॉर्मेशन आपके लिए आई थी, जैसे कि आप देख सकते हैं इग्नू की पीएचडी की जो आप पोस्टेज थी वो निकल रखी थी, पीएचडी में एडमिशन जारी थे। तो यहाँ पर देखिए, इनका अभी अभी रिसेंट आई वुड से 5 से 10 मिनट पहले एक नोटिफिकेशन आया है कि इन्होंने क्या कर दिया है, इन्होंने डेट को एक्सटेंड कर दिया है, किस किस की, बीएससी नर्सिंग, बीएड और पीएचडी के लिए। तो नया नोटिफिकेशन में जब हमने क्लिक करा तो आपको नोटिफिकेशन ये खुल गया, दैट इज एक्सटेंशन ऑफ द लास्ट डेट फॉर फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द एंट्रेंस टेस्ट पीएचडी। कितनी कर दी गई है, पहले आपकी कितनी थी, 31 दिसंबर थी, 3 जनवरी 2024 को शाम के 5 बजे तक कर दी गई है, लेकिन आपको क्या देनी पड़ेगी, ₹200 एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी। तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं भरा है, मैं कहूंगा अभी भी आपके पास 2 दिन है, फिल करिए, एक बार जरूर जाके देखिए कि पीएचडी का पेपर कैसा होता है, ताकि आपको अपना लेवल पता करा जा सके और आपको अपना लेवल पता चल सके। ठीक है, ऐसी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पीएचडी के रेगुलर इन्फॉर्मेशन और साइकोलॉजी रिलेटेड जो भी वैकेंसी लग रही है आपको इस चैनल पर मिलेगी। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गॉडिंग नॉट्स ऑफ मेमोरी, दिस इज कैफिन शॉट, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।